पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, दूसरों की बातों पे आप भरोसा करते हो, और बाद में जब मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ तो अंत में मेरे पास ही आते हो कि सर आपको कोई वीडियो नहीं आया, आपको कोई वीडियो नहीं आया। मैंने तो आपको एक मौका दिया कि आप दूसरे की वीडियोज़ देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या है। आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने को मैंने कहा, वो भी आपने ज्वाइन नहीं किया। स्टडी मटेरियल मैं दे रहा हूँ, उसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अंत में कहते हो सर आप अपडेट दीजिए, मैं तो वीडियो बनाना बंद कर दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया एक तरीके से। अगर कोई लड़का आपको समय दे रहा है तो उसको बदले में कुछ चाहिए ना, ना मैं आपसे कोई पैसा मांग रहा हूँ ना कुछ मांग रहा हूँ, ओनली सब्सक्राइब। चाहे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर यही है महीने महीने भर बाद मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। और तसल्ली आपको मेरे ही वीडियो से मिलेगी, ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि सभी व्यूअर्स जानते हैं कि किसके सोर्सेज कितनी सही इन्फॉर्मेशन देते हैं और किसके कितने सोर्सेज हैं अंदर, ठीक है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका मन हो तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए, जैसे आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी वीडियो के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मेरा तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा खर्चा नहीं चलेगा या मतलब वीडियो नहीं बनाऊँगा तो, ठीक है। आई एम ऑलरेडी अ एम्प्लॉई। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल मैंने फिर से शुरू कर दिया है, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। आपकी सभी क्वेरीज के आंसर इस वीडियो में हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आधार बताना चाहता हूँ किस आधार पर सारे यूट्यूब चैनल में अपडेट्स छाई हुई हैं कि आर ओ आर ओ की वैकेंसी आएगी 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 आएगी। तो इसका आधार ये है, 1 जुलाई 2023 का ये PDF जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की आपको साइट में दिख रहा है, 1 जुलाई 2023 का ये PDF है, जिसमें दिखाया हुआ है कि RO की वैकेंसी ज़्यादा है। इस वक्त 311 वैकेंसी खाली है, ARO की 100 वैकेंसी खाली, कंप्यूटर सिस्टम की 23 वैकेंसी खाली है, और अगर हम नीचे आ जाते हैं तो APS की 87 वैकेंसी खाली है और PS की 81 वैकेंसी खाली है। इस आधार पे आपको बहुत सारे एजम्पशंस लगा के, गेस लगा के आपको वीडियो बना रहे हैं लोग, ठीक है। अब क्या ये चीज़ मुझे नहीं पता था, हैं? मुझे तो 1 जुलाई को ही पता था जब ये अपलोड हुआ था, तो फिर मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया? तो इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, मैंने कहा ये तो सभी को पता है, लेकिन चूंकि बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स के आने लगे, समझ लीजिए 100-150 कमेंट्स आए। जब मैं मैसेज खोलता, जब भी मेरा नेट ऑन होता था, 10-15 क्वेरीज रहती थी स्टूडेंट्स की कि सर बता दीजिए कब तक है, क्या है, ठीक है। तब मैंने कहा कि चलो आज संडे है, स्टूडेंट्स को कम से कम भ्रम जाल से दूर किया जाए, रियलिटी क्या है ये बताई जाए। अब आपकी क्वेरीज़ को वन बाय वन मैं सॉल्व करता हूँ। पहला सवाल ये था कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि APS और PS को लेके एक मामला फंसा हुआ है, और अगर आर ओ आर ओ की वैकेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट APS और PS के साथ निकालता है तो ये वैकेंसी बहुत लेट हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ की वैकेंसी अलग से निकालता है, जैसे पिछले बार निकाला था कि अगस्त में वैकेंसी आई थी और सितंबर वैकेंसी APS की आई थी, एक महीने पहले आर ओ आर ओ की वैकेंसी आई थी, तभी आपकी वैकेंसी आर ओ आर ओ की जल्दी आ सकती है। कितनी जल्दी आ सकती है? सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, और वो भी 100% श्योर नहीं है, चूँकि ये आपको यहाँ पे वैकेंसी चार्ट दिख रहा है। इस आधार पे मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई करिए, लेकिन जो लोग दावे कर रहे हैं 15 अगस्त 30 अगस्त 15 सितंबर, ना वैसा कुछ भी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो भी मामला फंसा हुआ है वो PSO APS को लेके ही फंसा हुआ है। तो भगवान से दुआ करिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अलग से वैकेंसी निकाले आपकी आर ओ आर ओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की, तभी ये आपकी वैकेंसी जल्दी आएगी। रही बात वैकेंसी आने की, तो वैकेंसी आपकी आएगी, ठीक है, और दुआ ये करिए कि ये साल डांके ना, 2023 ना क्रॉस हो, क्योंकि 2023 तभी क्रॉस होगा जब उसको साथ में PS और APS भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तभी क्रॉस हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि PS का ग्रेड पे और APS का ग्रेड पे, PS का ग्रेड पे 5400 है, ठीक है, इसके आधार पर ही जो भी है वो लेट हो रहा है, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूँगा, क्योंकि आप कहते हैं कि सर जोश खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, बाद में जब आपको मैं बता दे रहा हूँ वैकेंसी आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, 4 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग 6-7 महीने के अंदर हो जाती है, बाद में आप यही कहो कि सर हमारा 2 वर्ड छूट गया, हमारी 3 लाइन छूट गई, हमारी 1 लाइन छूट गई, हम सबमिट करना भूल गए, हमने तो ऑटो सबमिट किया, ये किया वो किया, बाद में आप कहोगे सर मेरा
आधे नंबर से रुक गया, मेरा पॉइंट नंबर से रुक गया, एक नंबर से रुक गया, तो ये सब आपके साथ इस बार ना हो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीपीएससी आर ओ आर ओ की भी वैकेंसी अगस्त में प्रस्तावित है कि अगस्त में आएगी, तो आपको तो एक तरीके से यूपीपीएससी आर ओ आर ओ की तैयारी क्या आप करेंगे, तो आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी, इसकी भी जीएस की तैयारी हो जाएगी, हिंदी इसमें भी आता है आपका, वो बात अलग है कि हिंदी के क्वेश्चंस कम आते हैं उसके कंपैरिजन, लेकिन फिर भी तैयारी तो आपकी हो रही ना कोर। आप पीसीएस की तैयारी कर लोगे, पीसीएस प्री की आपका अपने आप यूपीपीएससी आर ओ आर ओ और ये क्या बोलते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको सभी स्टडी मटेरियल्स मैंने बता दिए थे ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियोज़ में देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ जो अलग अलग क्वेरीज स्टूडेंट की आ रही कि सर इस बार वैकेंसी कितनी होगी, तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस बार आर ओ की वैकेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, 200-250 के आसपास आपकी आर ओ की वैकेंसी आएगी, 200-250 आर ओ आएगी और 80-90 आपकी ए आर ओ की वैकेंसी आएगी और कंप्यूटर असिस्टेंट की 20 वैकेंसी आ सकती है। तो 200 + 80 + 90 + 20 320 के अराउंड आपकी वैकेंसी आर ओ ए आर ओ और सी ए की दिखेगी, कंप्यूटर असिस्टेंट की, ठीक है। आप कुछ लोग कह रहे हैं ए पी एस पी एस की कितनी वैकेंसी आएगी, तो इसका कहना मुश्किल है कि ये वैकेंसी कितनी होगी, ये मैं भी नहीं कह सकता कितनी होगी, 50 देंगे कि 60 देंगे कि 70 देंगे, 80 तो नहीं देंगे, ये 100% है, ठीक है। अब एक चीज़ और सर, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? देखिए एग्ज़ाम पैटर्न के कहना कि ऑफलाइन होगा या ये होगा, जो लोग कह रहे हैं ऑफलाइन होगा वो बिल्कुल निराधार बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ एजम्पशन ये लगा रहे हैं, जो कि पिछली बार बहुत सारी पिटीशंस डाली गई थी टाइपिंग को लेकर, तो हो सकता है इस बार हाईकोर्ट एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसके बारे में बात ही हो रही हाईकोर्ट में, ये सिर्फ एजम्पशन है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दोनों के लिए तैयार रहिए, अभी तक आप देते थे, ठीक है, लेकिन चूँकि एन टी ए के पास जा रहा है, चूँकि टेंडर एन टी ए के पास ही है, तो आप समझ लीजिएगा कि ज़्यादा तक चांसेस वही हैं कि आपका पिछली बार की तरह ही हो, ज़्यादातर चांसेस यही है कि पिछली बार की तरह हो। और यदि यदि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता है, ऑफलाइन वाला ही होता है, तो इस वैकेंसी को आने में और समय लग सकता है। तो दुआ करिए कि पिछली बार की तरह हो, ताकि आपकी वैकेंसी जल्दी आए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करेगा और प्रीवियस जैसे पहले होता था 2016 में 2017 में अगर वैसे करना चाहेगा, तो इस वैकेंसी को आने में और समय लग सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर टाइपिंग क्या हिंदी की भी आएगी? बिल्कुल ये बकवास खबर है, टाइपिंग आपकी इंग्लिश की ही होगी, ठीक है, हिंदी की टाइपिंग सिर्फ यूपीपीएससी एआरओ में आती है, ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोग बहुत परेशान थे इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है, एकदम आपको 2D पॉइंट मैंने बात, कोई भी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन में आप भरोसा मत करिए कि 15 अगस्त आएगी 30 अगस्त आएगी, इतना बता दे रहा हूँ कि इस आधार पे आपकी वैकेंसी आएगी। और डिले क्यों हो सकता है, इसका भी रीज़न मैंने दे दिया, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात फंस गई तो और डिले हो सकता है, और अगर पीएस एपीएस साथ वैकेंसी आएगी तो और डिले हो सकता है। तब तक के लिए मैं आपको डेडलाइन बता दे रहा हूँ, अक्टूबर सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर या फिर विंटर वैकेशन के पहले, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए पढ़ाई करते रहिए, इतना मैंने आपसे कहा। देखिए मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि जब तक कोई खबर पता ना हो, जब तक कोई क्लियरेंस वहाँ से ना मिले, कोई क्लियर चीज़ कोई क्लियर बात ना निकल के आए, क्योंकि देखिए 10 मुंह होती हैं 10 बातें होती हैं, ठीक है, इसी आधार पर यूट्यूब चैनल्स आपको वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, क्योंकि वो जिससे पूछते हैं उसको पता ही नहीं होता, जितनी मुंह उतनी बातें, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन विश्वसनीयता आपको प्रिवेलेंट एजुकेशन की पता है क्या है, उस आधार पर आप लोग भरोसा करते हो, तो इसलिए मैं अभी यही कह रहा हूँ कि पढ़ाई करिए, अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एक समय में इसमें 6000 से ज़्यादा लोग थे, एक टाइम था, आज क्या है चूँकि ये बिल्कुल बंद पड़ा था, मैं इसमें कोई स्टडी मटेरियल नहीं डाल रहा था, तो आज इसमें 3800 के करीब लोग हैं, तो मैंने इसमें फिर से स्टडी मटेरियल डालना शुरू कर दिया, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको कोई पैसा नहीं पे करना होगा। दो चार स्टूडेंट्स के चाहूँ तो मैं आपको वीडियोस डाल सकता हूँ जो कहते हैं खुद कि सर हमने सिर्फ आपका दिया हुआ स्टडी मटेरियल पढ़ा, ठीक है, ये मेरा दिया हुआ स्टडी मटेरियल खुद से बनाया हुआ नहीं, ये भी बता दे रहा हूँ,
मैं आपको सिर्फ किताबें शेयर करता हूँ, ठीक है? मैं आपको थाली में खाना परोस देता हूँ, पढ़ाई आपको करनी है। और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा राइटर हूँ जो खुद की किताब लिखता हूँ, क्योंकि सब कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर एक बार देख लिया सब पर केस हो। तो मैं आपको सिर्फ राइटर की किताब शेयर करता हूँ, क्या चीज़ आपको पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए सुटेबल है, मैं सिर्फ यही आपको बताता हूँ, वही हेल्प करता हूँ, वही स्टडी मटेरियल देता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम चैनल को, लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि आपको मैं रेगुलर वीडियोस दूँ। क्योंकि देखिए, रेगुलर वीडियोस के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है, ऊपर से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अंत में स्टूडेंट भागता वही है जो हो हल्ला वाली बातें करते हैं। तो आपको मैंने इतना समय दिया, आपने भी खुद को समय दिया, साल 1.5 साल का समय दिया, क्या मिल गया आपको, ठीक है? तो आप इसी समझ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।